नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय हमीरपुर में 7 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हमीरपुर पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिंह ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिंह ठाकुर को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अंजू बत्ता सहगल द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय हमीरपुर में 7 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हमीरपुर पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिंह ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिंह ठाकुर को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अंजू बत्ता सहगल द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और साथ ही पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिंह ठाकुर ने इस उपलक्ष्य पर कॉलेज परिसर में एक पौधा भी रोपित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिंह ठाकुर ने स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत को NSS स्वयंसेवियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी संगठन में काम करें, क्योंकि संगठन में बहुत शक्ति होती है। आई थिंक वॉलंटियर्स की ही आज की डेट में सबसे ज्यादा कमी है इस पूरे सिस्टम में, चाहे वो वर्ल्ड ओवर हो या इंडिया में हो, क्योंकि पैसे दे के काम तो हम भी कर रहे हैं, पैसे दे के सैलरी लेके लोग पूरे दुनिया में काम करते हैं, पर वॉलंटियर्स जो है वो ना केवल अपना समय, अपना वैल्यूबल समय निकाल के सोसाइटी के पॉइंट, अदरवाइज एज अ ग्रुप, जैसे कि किसी एक बहुत एक फेमस व्यक्ति ने कहा है कि संगठन में शक्ति है, तो उसी तरह आप भी एक संगठन भी है आपका बना हुआ, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के पास। संगठन में जैसे आप सब लोगों ने फील किया होगा कि देर इज अ लॉट ऑफ पावर इन यूनिटी, जैसे वही एक उंगली और एक मुट्ठी में जो फर्क है, वही एक व्यक्ति और कई लोगों के बीच में डिफरेंस होता है। आप लोग सब वॉलंटियर्स हैं, आप लोग सब मोटिवेटेड हैं, आप लोग सब यंग हैं, एंड आप लोग सब के मन में इच्छा है कि हम वॉलंटियर वर्क करेंगे सोसाइटी में जाकर। जिस तरह का शेड्यूल मेरे को अभी आपसे पता चला कि आपका जिस तरह का 7 दिन का ये शेड्यूल रहेगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, सिर्फ इस काम के लिए नहीं कि आप, इसलिए क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बहुत अहम हिस्सा होता है। आप क्या पढ़ाई करेंगे, आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, या कोई भी आगे आप जो भी करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो एक हद तक आपको काम आता है। अल्टीमेटली आई थिंक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ओवरऑल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट, एटीट्यूड, इस तरह की चीज़ें जो है शायद डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्टली बहुत असर करती हैं। तो ये चीज़ आपको इस तरह के ग्रुप में रह के, इस तरह के सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। और क्योंकि आप लोग यंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जो मैंने दिया और उसके बाद नौकरी में सेलेक्ट हुआ, तो उसमें मैं बताऊँगा I got very good marks in interview, especially interview के time मेरे को काफी अच्छे marks मिले थे। और perhaps उसका जैसे मैडम ने बताया NIT के experiences जहाँ पे आप volunteer work करते हैं, जैसे हमारा प्रयास एक था उस time, एक छोटा सा जो अब काफी बड़ा हो गया, where we used to go in society teach kids, बच्चों को पढ़ाते थे जिनको कोई साधन नहीं थे, उससे और मेरे को और NIT के हमारे और भी हेल्पफेयर वगैरह होते हैं, उसमें हम एक्टिविटीज करते थे जो कि हमारे करिकुलर से अलग हटके थी। उसका उस टाइम शायद ये लगता होगा कि इसका कोई फायदा तो है नहीं, हम ऐसे इतना कुछ, अगर अकेले किसी जंगल में रह रहे होते तो शायद हमको अकेले सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम थी, हम सोसाइटी के मेंबर हैं, सोसाइटी में रहते हैं, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, बाकी सब लोगों से हमारा इंटरेक्शन रहता है, उसके बिना रहना भी इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक उस तरह से मेरा ये एक्सपीरियंस जो कॉलेज टाइम में रहा लोगों के साथ, अपनी उम्र के बच्चों के साथ और अपने उम्र से छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में, वो मुझे बहुत हेल्प करता है और बहुत कोऑपरेट, मतलब मेरे को एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है दूसरे की तरफ। 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, इस आयोजन का शुभारंभ जो है वो अरिजीत सैन SB साहब हमीरपुर ने किया, और इसमें 7 दिन के शिविर में जो है वो समाज सेवा की भावना से कार्य किया जाएगा। बच्चों स्वयं से भी जो है वो गांव-गांव में जाकर जो है वो लोगों को सामाजिक बुराइयों कुरीतियों के बारे में अवगत करवाएंगे, और इसके अलावा 7 दिनों में अलग अलग विभागों के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और बच्चों को जो है वो विभिन्न जानकारियाँ यहाँ पे स्वयं सेवियों को दी जाएंगी। वक्त तो चला, एक छोटी सी ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।